अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे वैरायटी एंटरटेनमेंट पेज नंबर 41 से रीडिंग। व्हेन द बेल रैंग, जब घंटी बजी, द नेक्स्ट डे अगले रोज एंड द चिल्ड्रन और बच्चे वेंट पहुँचे इनटू द क्लासरूम्स अपनी जमात में। अगले रोज जब घंटी बजी और बच्चे अपने क्लासरूम में गए, मिस्टर खान कॉन्ग्रेचुलेटेड देम। मिस्टर खान ने उन्हें मुबारकबाद दी ऑन अ मार्वलस शो, एक शानदार शो पेश करने पर। अगले रोज़ जब घंटी बजी और बच्चे और अपने क्लासरूम में गए, तो मिस्टर खान ने इन्हें एक शानदार शो पेश करने पर मुबारकबाद दी। अली अली सेड मिस्टर खान, मिस्टर खान ने कहा, योर ट्रिक, तुम्हारा कर्तव्य वाज जस्ट ग्रेट, बहुत ज़बरदस्त था। बट टेल अस, लेकिन हमें बताओ, हाउ यू डिड इट, तुमने ये कैसे किया। अली सेड मिस्टर खान, मिस्टर खान ने कहा, तुम्हारा कर्तव्य ज़बरदस्त था, लेकिन हमें ये बताओ, तुमने ये कैसे किया। इट वॉज मैजिक, ये जादू था, सेड अली। अली ने कहा विद अ शाय स्माइल, एक शर्मीली मुस्कुराहट के साथ। इट वॉज मैजिक, सेड अली विद अ शाय स्माइल, ये एक जादू था, अली ने शर्मीली मुस्कुराहट के साथ कहा। नो टेलस, नहीं टेलस, हमें बताओ। अली अली, टेलस, हमें बताओ, क्राइड द अदर्स, दूसरे चिल्लाए। नहीं, हमें बताओ अली, हमें बताओ, क्राइड द अदर्स, दूसरे चिल्लाए। वेल हु, व्हाट हैपेंड वाज दिस, जो हुआ वो ये था। एक्सप्लेन्ड अली, अली ने वजाहत की। बिफोर द कर्टन वेंट अप, पर्दा उठने से पहले, आई पुट, मैंने रख दिए थे सम ऑफ स्मोकीज फेवरेट बिस्किट्स, स्मोकी के कुछ पसंदीदा बिस्किट, अंडर द टेबल, मेज़ के नीचे। पर्दा उठने से पहले मैंने स्मोकी के चंद पसंदीदा बिस्किट मेज़ के नीचे रख दिए थे। आई शोड स्मोकी वेयर दे वर, मैंने स्मोकी को दिखा दिया था। आई शोड स्मोकी, मैंने स्मोकी को दिखा दिया था, वेयर दे वर, वो कहाँ थे। मैंने स्मोकी को दिखा दिया था कि वो कहाँ हैं। वेन आई कैरिड हिम, जब मैं उसे उठा कर लाया, ऑन टू द स्टेज, स्टेज पर, आई डिड नॉट होल्ड ऑन टू हिम टू टाइटली, मैंने उसे ज़्यादा मजबूती से नहीं थामे रखा था। आई अलाउड, मैंने उसे ज़्यादा दी थी, टू जंप आउट ऑफ माई आर्म्स, मेरे बाजुओं से बाहर कूदने की, ट्वाइस, दो दफ़ा, एंड रन, और भाग रहा था, अंडर द टेबल, मेज़ के नीचे। देन आई वेंट टू गेट स्मोकी, जब मैं स्मोकी को लेने गया, फॉर द थर्ड टाइम, तीसरी मरतबा, आई ओनली प्रिटेंडेड, मैंने सिर्फ नाटक किया था, टू पुट हिम अंडर द क्लॉथ, उसे कपड़े के नीचे रखने का। ही वॉज स्टिल अंडर द टेबल, वो अभी उस वक्त भी मेज़ के नीचे था, मंचिंग बिस्किट्स, बिस्किट्स को चबाता हुआ। When I carried him on to the stage, जब मैं उसे स्टेज पर लेकर आया, I didn't hold on to him too tightly, मैंने उसे ज़्यादा मजबूती से थामे नहीं रखा था। I allowed him to jump out of my arms twice and turn under the table, मैंने उसे अपनी बाजुओं से दो मरतबा कूद जाने और मेज़ के नीचे भाग जाने की इजाज़त दी थी, या उसे जाने दिया था। व्हेन आई वेंट टू गेट स्मोकी, फॉर द थर्ड टाइम, जब मैं उसे तीसरी मरतबा स्मोकी को लेने गया, आई ओनली प्रिटेंडेड टू पुट हिम अंडर द क्लॉथ, तो मैंने सिर्फ उसे कपड़े के नीचे डालने का नाटक किया था। ही वॉज स्टिल अंडर द टेबल, उस वक्त भी मेज़ के नीचे बैठा, मंचिंग बिस्किट, बिस्किट को चबा रहा था। दिस टाइम, इस मरतबा, अली रिसीव्ड, अली ने, अली को मिला अ लाउड चीयर, एक बुलंद नारा, फ्रॉम हिज क्लासमेट्स, अपने हम जमातों से। इस मरतबा अली को अपने हम जमातों की तरफ से एक बुलंद नारा मिला। ही लुक्ड सो प्लीज्ड, वो बेहद खुश नज़र आया। इसके साथ है वर्ड्स मीनिंग, कॉन्ग्रेचुलेटेड, मुबारकबाद दी, मार्वलस, शानदार, शाय, शर्मीली, कैरेट, उठाकर लाया, टाइटली, मजबूती से, प्रिटेंडेड, नाटक किया, मंचिंग, चबाते हुए, खा रहा, लाउड चीयर, बुलंद नारा। क्वेश्चन नंबर 8, डिड अलीज़ क्लासमेट नो हाउ द ट्रिक वॉज डन, क्या अली के हम जमात जानते थे कि ये कर्तव्य कैसे हुआ था। क्या अली के हम जमात जानते थे कि कर्तव्य कैसे हुआ था। आंसर है, दे डिड नॉट नो बिफोर अली टोल्ड देम अबाउट इट, अली के बताने से पहले वो इसके बारे में नहीं जानते थे। वो नहीं जानते थे बिफोर अली टोल्ड देम अबाउट इट, अली के इस बारे में बताने से पहले वो इसके बारे में नहीं जानते थे। डायरी है रीडिंग लर्न पेज नंबर 41 प्लस क्वेश्चन नंबर 8, लर्न प्लस राइट।